टॉप 10 एक्सपेंसिव क्रूज ऑफ द वर्ल्ड। पानी वाले जहाजों को बनाने की कॉस्ट पिछले सालों में बढ़ती ही चली जा रही है। साल दर साल महंगे महंगे जहाज पानी में आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे महंगे क्रूज शिप्स की। बात करेंगे ऐसे शिप्स की जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। 10. क्वीन मेरी 2। RMS क्वीन मेरी 2, जिसे QM2 के नाम से भी जाना जाता है, अटलांटिक समुद्र में चलने वाला एक ओशियन लाइनर शिप है, जो साल 2004 के बाद से ही कुनार्ड लाइन ऑपरेटर्स का पसंदीदा शिप बना हुआ है। इस शिप का नाम 2004 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा साल 1936 में चलने वाले RMS क्वीन मेरी शिप के नाम पर रखा गया था। साल 2008 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के रिटायरमेंट के बाद से ही ये शिप इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक ऑपरेट होने वाला एक लौता ट्रांस अटलांटिक ओशियन लाइनर शिप है। इस शिप का डिजाइन ब्रिटिश नौसैनिक आर्किटेक्ट स्टीफन पेने के द्वारा किया गया था, जबकि इसका निर्माण फ्रांस के चंत्री डी अटलांटिको द्वारा किया गया था। दोस्तों, हमारा सबसे महंगे जहाजों की सूची पर मौजूद ये जहाज लगभग 890 मिलियन यूएस डॉलर की कीमत का है। दोस्तों, ये शिप जब पानी में निकलता है तब इसके जितना विशाल शायद ही कुछ और नजर आता हो। ये शिप रॉयल होने के साथ ही एलिगेंट भी है। 9. डिज्नी ड्रीम। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर मौजूद है डिज्नी ड्रीम्स। डिज्नी ड्रीम्स और डिज्नी फैंटेसी दोनों सिस्टर शिप है। इसकी कीमत है 900 मिलियन डॉलर और ये अपनी सिस्टर शिप से लगभग 40 मिलियन कम कीमत में बनकर तैयार हुआ है। इस शिप को डिज्नी क्रूज लाइन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये कंपनी वॉल्ट डिज्नी ही चलाती है। डिज्नी ड्रीम्स की हाइट लगभग 217 फीट है। दोस्तों, इसमें एक साथ लगभग 2500 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इसकी जगह को डबल कर दिया जाए तो लगभग 4000 लोग इसमें ट्रैवल करेंगे। इस शिप को 2011 में वॉल्ट डिज्नी ने लॉन्च किया था। 8. क्वांटम ऑफ द सीज। क्वांटम की कीमत लगभग 935 मिलियन यूएस डॉलर है। ये अपनी सिस्टर शिप से काफी सस्ता है। इसकी सिस्टर शिप एंथम ऑफ द सीज है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्वांटम की लेंथ लगभग 1139 फीट है। इसका वजन लगभग 1,67,000 टन है। रॉयल कैरेबियन के इस जहाज की समुद्र में एंट्री नवंबर 2014 में हुई थी। इस जहाज में लगभग 5,500 लोग रह सकते हैं, जिसमें 4,180 पैसेंजर्स और 1,300 क्रू मेंबर शामिल हैं। इस क्रूज शिप को समुद्र में मौजूद सबसे एडवांस शिप माना जाता है। 7. डिज्नी फैंटेसी। डिज्नी फैंटेसी की सिस्टर शिप डिज्नी ड्रीम्स के बारे में आप जान ही चुके हैं। ये शिप भी वॉल्ट डिज्नी द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। डिज्नी फैंटेसी की कीमत अपनी सिस्टर शिप से लगभग 40 मिलियन यूएस डॉलर ज्यादा है, यानी डिज्नी फैंटेसी की कीमत है 9040 मिलियन डॉलर। डिज्नी फैंटेसी हर चीज में लगभग अपनी सिस्टर शिप जैसी ही है। डिज्नी फैंटेसी की ऊंचाई भी लगभग 66 मीटर है। इसमें भी अधिकतम 4000 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। फैंटेसी को 2012 में लॉन्च किया गया था। डिज्नी फैंटेसी वॉल्ट डिज्नी का 14th क्रूज शिप है। इससे पहले डिज्नी ड्रीम, डिज्नी मैजिक और डिज्नी वंडर जैसे शिप भी वॉल्ट डिज्नी ने लॉन्च किए थे। 6. एंथम ऑफ द सीज। अगर आप कभी इस क्रूज शिप को देखेंगे तो आप पक्का यही कहेंगे कि इसका नाम एंथम ऑफ द सीज बिल्कुल सही रखा गया है। आप एंथम की सिस्टर शिप क्वांटम के बारे में जान चुके हैं। ये अपनी सिस्टर से काफी ज्यादा महंगा है। इसकी कीमत लगभग 940 मिलियन यूएस डॉलर है। इसकी लंबाई 1141 फीट है। अगर वजन की बात करूं दोस्तों, तो इसका वजन लगभग 1,68,000 टन है। इसमें एक साथ 4,180 पैसेंजर्स सफर कर सकते हैं और अगर क्रू मेंबर्स की बात करूं तो लगभग 1,300 क्रू मेंबर्स सफर कर सकते हैं। 5. ओवेशन ऑफ द सीज। ओवेशन का शाब्दिक मतलब होता है जीत की आवाज, और ये क्रूज शिप भी जीत की आवाज की तरह ही शानदार है। दोस्तों, ओवेशन की कीमत 1 बिलियन यूएस डॉलर है। ये सर्विस में अप्रैल 2016 में आया था। अपने फिजिकल बनावट से इसने बड़े बड़े जहाजों को मात दे रखी है। रॉयल कैरेबियन कंपनी का ये जहाज लगभग 1141 फीट लंबा है। इसमें एक साथ 4000 पैसेंजर्स और 1300 क्रू मेंबर्स सफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रूज स्पेशलिस्ट का ऐसा मानना है कि जल्दी ही ओवेशन अपनी रैंक में नीचे लुढ़क जाएगा, क्योंकि और भी बहुत से नए क्रूज शिप्स ऑर्डर कर दिए गए हैं जो इससे कई गुना महंगे हैं। 4. नॉर्वेजियन एपिक। ये क्रूज शिप अपने नाम की तरह ही एपिक है। इसकी कीमत है 1.2 बिलियन यूएस डॉलर। इस शिप को STX शिपयार्ड में बनाया गया था, जो कि सेंट नजारे में स्थित है। इस क्रूज शिप की ओनरशिप नॉर्वेजियन क्रूज लाइन बिल्ट के पास मौजूद है। इस क्रूज शिप की खासियत है इसमें मौजूद एक्वा पार्क्स। जरा सोचिए, पानी के ऊपर चलते हुए पानी से खेलना कितना मनमोहक लगता होगा। इस क्रूज शिप की ऊंचाई लगभग 61 मीटर है और लंबाई लगभग 329 मीटर। इस क्रूज शिप में एक साथ लगभग 4000 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं।
3 हार्मनी ऑफ द सीज। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के तीसरे सबसे महंगे क्रूज शिप की, हार्मनी ऑफ द सीज। हार्मनी का शाब्दिक मतलब होता है सामंजस्य। इस शिप की ओनर रॉयल कैरेबियन शिप है। ये मई 2016 में सर्विसेज में आया था। इसकी लंबाई लगभग 1178 फीट है। इसमें एक साथ लगभग 8000 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें 5400 पैसेंजर्स और 2394 क्रू मेंबर्स हैं। अगर बात करूं इसके वजन की तो ये लगभग 2,27,000 टन से ज्यादा का है। सबसे लास्ट में बात करते हैं इसकी कीमत की। अब तक की सबसे लंबी स्लाइड वाला ये क्रूज शिप लगभग 1.35 मिलियन यूएस डॉलर की कीमत का है। इसे क्रूज शिप का न्यू एरा भी कहा जाता है, क्योंकि इस शिप में कई सारे नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। 2. ओएसिस ऑफ द सीज। ओएसिस का मतलब होता है सहारा, और जब भयानक समुद्र को पार करने में मदद करने के लिए बनाया गया ओएसिस को। ओएसिस ऑफ द सीज हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद है, और ये पहले नंबर वाले शिप की सिस्टर शिप है। इस शिप की ओनरशिप रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल के पास मौजूद है, और वही लोग इसे ऑपरेट भी करते हैं। इस शिप की कीमत है पूरे 1.4 बिलियन यूएस डॉलर। इंडियन करेंसी में इसकी कीमत होगी तकरीबन 9,800 करोड़ रुपए। 200 इस शिप की लेंथ लगभग 362 मीटर है। ओएसिस को 21 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसका वजन लगभग 1,00,000 टन के बराबर है। ये अपने सिस्टर शिप से लगभग 50 मिलीमीटर बड़ा है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि दोनों शिप्स को लगभग एक जैसे साइज का ही बनाया जा रहा था, लेकिन ये शिप अलग अलग तरह के तापमान से दबाव के कारण सिकुड़ गया और ये अंतर आया। चलिए अब जानते हैं हमारे नंबर 1 और ओएसिस के सिस्टर शिप के बारे में। 1. एलियोर ऑफ द सीज। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के सबसे महंगे शिप की, एलियोर ऑफ द सीज। एलियोर का मतलब होता है बहलाना, और यकीनन इस शिप को देखने के बाद आपका मन बहल जाएगा। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पानी का जहाज है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कीमत की। एसटीएक्स यूरोप कंपनी द्वारा बनाया गया ये जहाज लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का है। इंडियन करेंसी के अनुसार 10,500 करोड़ रुपए। एलियोर ऑफ द सीज को नवंबर 2009 में लॉन्च किया गया था। एलियोर की ओनर कंपनी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल है। इसका वजन लगभग 1,00,000 टन है। इसकी लंबाई 362 मीटर है। ये अपनी सिस्टर शिप ओएसिस से लगभग 50 मिलीमीटर बड़ा है। दोस्तों, एलियोर का निर्माण लगभग एक साल के अंदर ही कर दिया गया था। इस जहाज पर एक साथ 9,000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं, जिसमें 2,200 से ज्यादा पोजीशंस क्रू मेंबर्स के लिए है, और लगभग 6,800 पोजीशंस एलियोर पर आने वाले गेस्ट्स के लिए। एलियोर के अंदर और भी बहुत सारी आकर्षक चीजें हैं। इसमें मौजूद 2 मंजिला डेक हॉल ये दर्शाता है कि ये कितना एलिगेंट है। इसमें एक मूवी थिएटर भी मौजूद है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लगभग 1,380 सीट्स है। कुल मिलाकर इसे किंग ऑफ द सीज कहें तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से क्रूज पे जाना चाहेंगे ये भी बताइए। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।